दोस्तों ये दरअसल एक ऐसा घोस्ट है जो जानवरों के मरने के बाद उनकी आत्माओं को आफ्टर लाइफ में ले जाने का काम करता है। ये अपने हाथों से जानवरों को छूता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगला नंबर इस हिरण का होता है। हिरण की मौत बहुत ज्यादा पास है, इसलिए ये हिरण की आत्मा को आफ्टर लाइफ में ले जाने की कोशिश करता है। ये जैसे ही हिरण को छूने वाला होता है कि तभी ये हिरण उसे देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये हिरण का पीछा करता है, तभी ये देखता है कि इस हिरण का तो एक प्यारा सा परिवार है। ये जैसे ही इस फूल पर हाथ रखता है सभी फूल खराब हो जाते हैं। ये निराश हो जाता है। ये रात होते ही हिरण के पास जाता है और उसके बगल में जाकर सो जाता है। अब इस हिरण के पास जितना भी टाइम बचा है बस ये घोस्ट उसके साथ रहना चाहता है। बारिश होने पर इसे बारिश से बचाता है। अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब ये हिरण एक दिन अपने परिवार के साथ सूरज की रोशनी में जाना चाहता है। अब क्योंकि घोस्ट सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता, इसलिए ये वही रुक जाता है। अब हिरण जानबूझकर घोस्ट के पास आता है और इसे छूने को बोलता है। घोस्ट न चाहते हुए भी इसे गले लगा लेता है और थोड़ी देर बाद हिरण की मृत्यु हो जाती है।